इंदौर में मां बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है, जहां इकलौती बेटे ने अपनी 100 साल की बुजुर्ग मां को सड़क पर लावारिस छोड़ दिया। बेटे ने मां के साथ जो हरकत की उसका वीडियो भी सामने आया है। राहगीरों ने तड़पती बुजुर्ग को देखकर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने समाज सेवी संगठन के जरिए बुजुर्ग को सेवा आश्रम पहुंचाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं उनका नाम रामेश्वर है। उनके साथ बुजुर्ग की नातिन भी मौजूद है जो बुजुर्ग के कपड़े फेंकते हुए नजर आ रही है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बुजुर्ग के बेटे रामेश्वर को शर्मिंदगी महसूस हुई। रामेश्वर को जानकारी मिली कि बूढ़ी महिला को वृद्धाश्रम वाले ले गए हैं, तब रामेश्वर तत्काल ओल्ड एज वृद्धाश्रम पहुंचा और संचालक से मिला। कहा, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। धरने पर बैठे विधायक पांचीलाल मीणा, भोपाल से बड़ी खबर, पुलिस ने रोका आदिवासी न्याय यात्रा। विधायक पांचीलाल मीणा धरने पर बैठे लालघाटी चौराहे पर, पुलिस ने रोका आदिवासी किसान और नेता बैठे रोड पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पहुंचे लालघाटी, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पहुंचे, पुलिस ने रोकी आदिवासी न्याय यात्रा। विधायक पांचीलाल मीणा धरने पर बैठे तो आदिवासी न्याय यात्रा को पुलिस ने रोक दिया है। आदिवासी किसान और नेता रोड पर बैठ गए हैं धरने पर, और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भोपाल से, जहां पर पुलिस ने आदिवासी न्याय यात्रा को रोका है। विधायक पांचीलाल मीणा धरने पर बैठे, ये बड़ी खबर। आदिवासी किसान और नेता रोड पर बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं। यहां पर आदिवासी न्याय यात्रा निकाली जा रही थी जिसे रोका गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लालघाटी पहुंचे। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरो का शहर है, जहां पर आए दिन हीरे मिलते